गुड मॉर्निंग सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 58 निकालिए। पेज नंबर 58 बच्चों, आज हम नया पार्ट सीखेंगे, उसका नाम है आहा का अभ्यास। ये देख रहे हो, आहा का अभ्यास। आहा कब आता है बच्चों और कहाँ आता है? स्वर में आहा आता है, और आ ई ई ऊ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम आहा। तो ये क्या है? आहा। आहा यानी क्या? विसर्ग। विसर्ग जैसे आहा का अभ्यास। तो बच्चों, हमारे पूरे पाठ में ये हमारा आखिरी पाठ है। तो बच्चों, आहा का अभ्यास करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे यहाँ अ है, स्वर का अ है, और यहाँ दो बिंदी है, तो इसे आहा कहते हैं, तो ये विसर्ग कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ दिए हैं, ये चित्र देखकर हमें ये शब्द पता होने चाहिए कि यहाँ देखो, एक गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आशीर्वाद देना ऐसे न कहते हुए इसे क्या कहते हैं? नमः। क्या कहते हैं? नमः। यानी ये संस्कृत शब्द होते हैं बच्चों। तो संस्कृत में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं कि हमें ये प्रचलित नहीं है, तो कहीं कहीं बार हमें क्या करना पड़ता है, इन शब्दों को हमें हमारे वाक्य में डालना पड़ता है। तो ये गुरुजी यहाँ इस शिष्य को क्या कर रहे हैं? गुरु शिष्य को आशीर्वाद दे रहे, इसे क्या कहते हैं? नमः। ये क्या है? अंक है, 6। तो ये 6 लिखने के बाद यहाँ दो बिंदी आती है, 6। यहाँ देखो, ये नमः, म के बाद ये दो क्या दिए हैं? दो बिंदु दिए हैं। तो नम ऐसे न कहते हुए नमः, ऐसे प्रोनाउंसिएशन आता है। सुबह सुबह ये क्या हो रहा है कि यहाँ सूरज उग रहा है, प्रातः। सुबह सुबह न कहते हुए इसे और एक शब्द आता है, प्रातः। प्रातः यानी अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह सुबह ऐसे न कहते हुए दूसरा शब्द आता है, प्रातः। तो त के बाद यहाँ दो बिंदी आती है। यहाँ क्या है? ये क्या है? एक डॉल है, और इसके डॉल के पूरे शरीर में से ये क्या हुआ? ये रुई निकल रही है, तो ये दुख हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? दुख। सरो, ये दू और ख के बीच में ये दो बिंदी है ना, तो इसे क्या कहते हैं? दुख। ठीक है, तो बच्चों, हम ये आहा का अभ्यास करते समय ये शब्द हमें मिल गए, कौन से? नमः, छ, प्रातः, दुख। ओके, इसके बाद बच्चों हम देखेंगे स्वर या व्यंजन के पश्चात, स्वर या व्यंजन के पश्चात लगाए जाने वाले, ये दो बिंदु है ना, इन दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इन दो बिंदु को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। किसे? स्वर और व्यंजन के पश्चात। स्वर के पश्चात भी ये दो बिंदु लगाए जाते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं, और व्यंजन के पश्चात भी उसे क्या कहते हैं? विसर्ग लगाते हैं। तो बच्चों, हमें इसी के ऊपर हमें पाठ दिया है, और ये पाठ मैं आपको पढ़ाती हूँ। गुरुजी नमो नमः, गुरुजी नमो नमः, प्रातः के छः बज गए, अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। तो बच्चों, ये जब हम
पढ़ते हैं तो हमें हमारा वाक्य प्रयोग अलग करना पड़ता है। कैसे? गुरुजी यानी अध्यापक, यहाँ गुरुजी जब ये बच्चों को सिखाते हैं पढ़ाते हैं तो ये कौन हुए? गुरुजी यानी अध्यापक। गुरुजी नमो नमः, नमो नमः यानी नमस्कार, नमो नमः यानी नमस्कार। प्रातः के 6 बज गए, प्रातः के यानी सुबह के, प्रातः के यानी सुबह के 6 बज गए, सुबह के 6 बज गए, प्रातः के 6 बज गए। अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अतः यानी अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। अतः अत नहीं होता तो अतः, अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, प्रातः नमः, तो ये सारे संस्कृत शब्द होते हैं बच्चों। तो हमारे वाक्य में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं तो हमें ये शब्द उपयोग में लाना पड़ता है। तो बच्चों ये पाठ लगभग 3 लाइन का ही है और आपको सिर्फ ये सीखने के लिए ये पाठ दिया है कि स्वर और व्यंजन में ये 2 बिंदु होते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। तो हमें यहाँ 2 बिंदु वाले शब्द दिए हैं जैसे कि नमः, प्रातः, छ और अतः। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट देखेंगे। ये छोटा सा पाठ होने के बाद बच्चों या इस पाठ के ऊपर हमें ये स्वाध्याय दिया है। क्या है स्वाध्याय? चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। ये क्या है? चित्र, ये चित्र है। इस चित्र को देखकर हमें आहा का अभ्यास जब हम कर रहे हैं तो इसी के ऊपर हमें ये चित्र दिए हैं और चित्र पहचान कर उनके नाम यहाँ लिखना है। तो ये गुरु है शिष्य को क्या कर रहे हैं? नमः यानी आशीर्वाद दे रहे, तो यहाँ शब्द आता है नमः। ठीक है, ऐसे आप भी लिखो। उसके बाद ये क्या है? अंक है। ये कितना अंक है? 6 ऐसे लिखना है और उसके बाद ये 2 बिंदु यानी विसर्ग लगाना है। ओके, यहाँ क्या हुआ है? सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रातः, प्रातः। यहाँ त के बाद 2 बिंदी यानी विसर्ग लगाना पड़ता है, प्रातः। यहाँ देखो इस गुड़िया का, यहाँ ये गुड़िया खराब हो गई है तो इसे दुख हो रहा है, सैड, तो ये दुख। तो बच्चों ये क्या है? इस चित्र पहचान कर यहाँ हमने उनके नाम लिख लिए हैं, नमः, छ, प्रातः और दुख। प्रश्न दूसरा, पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए, रीड एंड राइट। हमें सिर्फ क्या करना है? ये पढ़ना है और एज इट इज़ यहाँ उसका नाम लिखना है, सेम ये लिखना है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। ये यह क्या है? पुनः, तो ये पुनः, नह यानी या न के बाद ये 2 बिंदु लगाना है, पुनः। ये क्या है? 2 नंबर, नमः, तो ये नमः, म के बाद ये 2 बिंदु देना ज़रूरी है, नमः। ओके, इसके बाद 3 नंबर, अतः, अ अतः, त के बाद ये 2 बिंदु देना ज़रूरी है। 4 नंबर, प्रातः, प्रातः, ये त के बाद 2 बिंदु देना यानी विसर्ग देना ज़रूरी है, प्रातः। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ हमने प्रश्न दूसरा लिख लिया है। इसके बाद बच्चों हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा जो पाठ है उसी के ऊपर ये रिक्त स्थान दिए हैं,
और पहला क्या है, गुरुजी डॉट डॉट, गुरुजी नमः नमो नमः, गुरुजी नमो नमः, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आता है, नमो नमः। प्रातः के यानी सुबह के, प्रातः के डॉट डॉट बज गए, कितने बज गए, छ, कितने बज गए, छ बज गए, छ के बाद यहाँ विसर्ग देना, यहाँ नम के म के बाद यहाँ विसर्ग देना जरूरी है। तीन नंबर, डॉट डॉट मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अतः अतः त के बाद ये विसर्ग देना जरूरी है, या दो बिंदु देना जरूरी है। ओके, तो बच्चों ये प्रश्न तीसरा यहाँ खत्म हुआ है। प्रश्न तीसरा में बच्चों ये रिक्त स्थान में हमने कौन से शब्द भरे, पहला गुरुजी नमो नमः, दो नंबर प्रातः के छह बज गए, तीन नंबर अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। ओके, प्रश्न चौथा क्या है, शब्दों के ऊपर पेंसिल चलाइए, ट्रैक आउट द वर्ड्स विथ पेंसिल, जैसे ये यहाँ कुछ शब्द दिए हैं उसी के ऊपर हमें ये पेंसिल चलाना है, जैसे कि मैं चला रही हूँ वैसे ही आपको अपने टेक्स्ट बुक में ऐसे करना है। नमः अतः छ दुख ओके समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बच्चों मैं स्वाध्याय एक बार और आपको पढ़कर बताती हूँ। प्रश्न पहला, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। ये चित्र हमने देख लिए हैं, उनके नाम है नमः, छ, प्रातः, दुख। पढ़िए और लिखिए, रीड एंड राइट, पुनः नमः अतः प्रातः। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, गुरुजी नमो नमः, प्रातः के छह बज गए, तीन अतः मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, शब्दों के ऊपर पेंसिल चलाना है, नमः अतः छ दुख। ओके, तो बच्चों आज का पाठ यहाँ ख़त्म हुआ है। हमारे पाठ का नाम क्या है, आहा का अभ्यास, आहा का अभ्यास, स्वर या व्यंजन के पश्चात लगाने जाने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया, ओके। तो बच्चों ये पाठ आपको दो बार पढ़ना है और प्रश्न और उत्तर आपके टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में लिखना है। समझ में आ गया, ओके। तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं, थैंक यू।